हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का एसी ले लीजिए, लेकिन अगर आपको उस एसी के फंक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है तो दोस्तों आप एसी चलाओगे लेकिन हो सकता है वो एसी कूलिंग ही ना करे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेट करने के बाद कई बार गलती से ऑपरेट हो जाते हैं। ऑपरेट होने के बाद दोस्तों उसके अंदर एसी के अंदर कूलिंग होनी बंद हो जाती है। आप कंपनी से या बाहर से मैकेनिक को बुलाते हो और आपके एसी में कोई फॉल्ट नहीं होता, सिर्फ रिमोट के अंदर एक फंक्शन को गलती से आप प्रेस कर देते हो जिसकी वजह से आपके एसी में कूलिंग होनी बंद हो जाती है। और बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके बारे में जानना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उनके बारे में नहीं जानोगे तो आपको कूलिंग का मज़ा भी नहीं आएगा और आप अपनी घर की बिजली भी नहीं बचा पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा। कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके बारे में अगर आप जान लोगे तो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत ज़्यादा कम दोस्तों हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डाइकिन का एक ऐसा ही फंक्शन जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एसी ले लिया है तो भी आपके एसी के रिमोट में ये फंक्शन आपको मिलने वाला है, और अगर आपने एसी लेना चाहते हैं डाइकिन का तो भी दोस्तों आपको ये फंक्शन मिलेगा। इस फंक्शन का नाम है पावर चिल। जी हाँ दोस्तों, पावर चिल के नाम से या पावरफुल के नाम से आपके रिमोट में, डाइकिन के रिमोट में फंक्शन है। ऑन ऑफ के लेफ्ट साइड में पावरफुल या पावर चिल के नाम से एक ऑप्शन ग्रीन कलर में आपको मिलने वाला है। उसका मतलब क्या है दोस्तों, उसके बारे में पूरी पूरी डिटेल में आपको बता देता हूँ, जिससे आपके घर में कूलिंग भी जल्दी होगी और ज़्यादा भी होगी। जी हाँ दोस्तों, कैसे होगी वो मैं आपको पूरी पूरी डिटेल इसके बारे में बता देता हूँ, कहाँ पे आपने इसको यूज़ करना है। दोस्तों, जो पावर चिल का फंक्शन होता है उसका यूज़ कैसे आप कर सकते हो दोस्तों, होता क्या है, जब आप एसी को ऑन करते हो तो आपके जो रूम के अंदर इंडोर होता है उसका ब्लोअर ऑन हो जाता है, लेकिन कूलिंग नहीं आती है। कूलिंग आती है 3 मिनट के बाद, क्योंकि जो कंप्रेसर होता है वो 3 मिनट के बाद चलना शुरू होता है। जब तक कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो आपके एसी में कूलिंग भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, 3 मिनट के बाद कंप्रेसर ऑन होगा, तो उसके बाद कूलिंग आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको 3 मिनट वेट ना करनी पड़े और आपका कमरा, आपका रूम जल्दी ठंडा हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने पावर चिल का बटन को प्रेस करना है। पावर चिल का बटन प्रेस करोगे तो आपको 3 मिनट वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके रूम में इमीडिएटली, जी हाँ दोस्तों, इमीडिएटली उसी टाइम कूलिंग होनी शुरू हो जाएगी और 3 मिनट तक तो आपका कमरा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका होगा। कई बार क्या होता है, आप बाहर से आते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आपके रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप एसी चलाते हो लेकिन 5-7 मिनट बाद कूलिंग होनी शुरू होती है। इस कंडीशन में भी आप पावर चिल का बटन प्रेस करेंगे, पावर फुल का आप बटन प्रेस करेंगे तो आपके रूम के अंदर कूलिंग होनी शुरू दोस्तों उसी टाइम हो जाएगी, आपको 3 मिनट वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी 3-4-5 मिनट तक कूलिंग करेगा पावरफुल वाला, उसके बाद आपका रूम चिल्ड हो जाएगा। उसके बाद ये नॉर्मल तरीके से जैसा आपका एसी चलता है उस तरीके से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पावरफुल पावर चिल का फंक्शन समझ में आ चुका होगा, इसको आपने कैसे ऑपरेट करना है ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको दोस्तों बता दी है। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए। दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, अभी डाइकिन, वोल्टास, जन्नत सारे के सारे फंक्शन आपको मैं लगातार बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।